आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अनशन पर बैठ गई हैं। उन्होंने शिवराज सरकार से सिंहस्थ कुंभ में जाने की मांग रखी है और मांग पूरी नहीं होने पर अनशन पर बैठ गई हैं। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में साध्वी प्रज्ञा का इलाज चल रहा है और वहीं उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें हाल फिलहाल में एनआईए ने मकोका विड्रॉ कर लिया साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ और उन्हें क्लीन चिट दी गई। उसके बाद अब वो अनशन पर बैठ गई है।